नमस्ते। ये आज ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपका सिक्स पार्ट है, पेडिग्री एनालिसिस बताएंगे। बच्चा सब इस पेडिग्री एनालिसिस से भागता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाऊं और कैसे आप कोई भी पेडिग्री एनालिसिस में कैसे आप पकड़ोगे कि हाँ ये है या वो है। तो उससे पहले थोड़ा सा जानो कि एक्चुअली पेडिग्री होता क्या है तुम्हारा, ठीक है? ये देखो, व्हाट इज पेडिग्री। पेडिग्री को कहा जाता है कि ये एक वंश वृक्ष होता है तुम्हारा, इसको फैमिली ट्री भी लोग बोला जाता है। एक्चुअली क्या होता है तुम्हारा, जैसे वो मेंडल क्या किया था, पी प्लांट का एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था और इसको क्रॉस कराया था, उससे जो सीड मिला फिर उसको जर्मिनेट कराया और इस तरीके से वो एनालिसिस किया, F1 जनरेशन या F2 जनरेशन। तो यहाँ पर आप पी प्लांट को आप चूज कर सकते हो कि टॉल और ड्वार्फ को आप ला सकते हो। यहाँ पर क्या कहा जाता है कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हो ब्रीडिंग। लेकिन अब अगर ह्यूमन बीइंग में अगर आते हो आप, तो ह्यूमन बीइंग में मान लो अब एक लंबा आदमी को लाओ, एक ड्वार्फ फीमेल को ला के और उसको बोलो कि तुम मेटिंग करो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो अगर आप ले भी आते हो तो उसको एक माने सुपरविजन में आपको रखना है, मेटिंग के बाद 9 मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि 1-2 जनरेशन वेट करना। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक फैमिली ट्री बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है कि वो पर्टिकुलर ट्रेट अगर किस जनरेशन में आ रहा है, अगर पेरेंट अफेक्टेड है कि नहीं है, उसके बाद मान लो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, तो ये एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इसी एब्जॉर्वेशन को कहा जाता है पेडिग्री एनालिसिस। तो देखो क्या, उसी को आप क्या करते हो, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, कहता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंडेलियन ट्रेट या डिसऑर्डर। यहाँ पर मेंडेलियन ट्रेट का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक डिसऑर्डर इन ए ह्यूमन फैमिली जनरेशन, दैट इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। या पेडिग्री को आप ये भी कह सकते हो कि इट इज नथिंग, इट इज ए फैमिली ट्री इन व्हिच यू एब्जॉर्ब द पासिंग ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन। समझ में मेरी बात आई हम क्या बोले, आप एक पर्टिकुलर ट्रेट को एब्जॉर्ब करते हो एक जनरेशन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, एक हिस्ट्री आप बनाते हो। जैसे मान लो सपोज करो मान लो ये मेल फीमेल है, ये मेटिंग किया, मान लो इससे मेल मान लो फीमेल फिर मान लो ये मेल, सपोज करो इस पेरेंट से 3 बच्चा हुआ, तो इसका ये क्या हो गया, पहला जनरेशन हो गया तुम्हारा। फिर मान लो सपोज करो इस मेल की शादी आप एक फीमेल से कराते हो, तो फिर इससे भी सपोज करो 3 चाइल्ड होता है। मान लो इस फीमेल के भी शादी आप किसी मेल से कराते हो और इससे भी मान लो ये 3 बच्चा होता है, तो ये देख लो इसका क्या हो गया, ये सेकेंड जनरेशन हो गया तुम्हारा। तो इस तरीके से अब इसमें कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट को या डिसऑर्डर को आप चूज करते हो कि पहले क्या देखते हो कि इस मेल फीमेल में वो ट्रेट है कि नहीं है। तो यहां पर ट्रेट अगर आप एब्जॉर्ब करोगे तो झांक के तो नहीं देखोगे, फिनोटिपिकली देखोगे कि वो आइदर मेल और फीमेल या बोथ आर अफेक्टेड बाय दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर। अगर मान लो मेल फीमेल नहीं है तो उसके फर्स्ट जनरेशन में देखते हो कि कोई एक तो अफेक्टेड नहीं है, मान लो उसमें भी नहीं, तीसरा जनरेशन देखते हो, इस तरीके से उस ट्रेट का स्टडी करते हो कि वो ट्रेट कैसे इनहेरिट करता है फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसी चीज को जो आप एब्जॉर्ब करते हो इसी को कहा जाता है पेडिग्री एनालिसिस। समझ में आया?
माने पेडिग्री एनालिसिस नथिंग ओनली टू स्टडी ए पर्टिकुलर ट्रेट पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तीन चार जनरेशन का एक हिस्ट्री बना लेते हो, एक पर्टिकुलर ट्रेट को चूज किए और उसको एब्जॉर्ब करते हो, तो उसी को कहा जाता है पेडिग्री एनालिसिस. क्लियर है? अब इस पेडिग्री एनालिसिस में देख लो, अब यहां पर ये मेल और फीमेल नहीं लिखा जाता है. इसके लिए क्या होता है, एक सिंबल आता है तुम्हारा, वो सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है. ये देख लो आप, ये एनसीईआरटी में भी सिंबल दिए हुआ है. ध्यान से देखो, यही सिंबल थोड़ा सा आपको पढ़ना है. दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये जो स्क्वायर होता है तुम्हारा, वो मेन का होता है. कैसे याद रखोगे? ये देखो, ये स्क्वायर इस तरीके से. फीमेल का क्या होता है, तुम्हारा सर्किल होता है इस तरीके से. तो फीमेल क्या होता है, हमेशा कर्व होता है, तो उससे याद रखोगे कि फीमेल क्या होगा, सर्किल होगा तुम्हारा. अगर सपोज करो मेल या फीमेल कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको क्या किया जाता है, ब्लैकिश किया जाता है, इसको कवर्ड माने रंग दे कलर कर दिया जाता है. तो अगर जैसे देखो यहाँ पर ब्लैकिश आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा क्या हो, अफेक्टेड मेल हो गया. उसी तरीके से यहाँ देखो ये फीमेल दिखाया हुआ है, तो अफेक्टेड फीमेल हो गया. और एक क्या होता है कि जिसका सेक्स जो होता है वो आपको नहीं पता रहता है, अनस्पेसिफाइड रहता है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है. देखो इस तरीके से, ठीक है. ये देखो, ये जो देख रहे हो, ये एक मेल है, ये फीमेल है, इस दोनों के बीच में एक लाइन इस तरीके से खींचा हो. ये लाइन इंडिकेट करता है तुम्हारा मेटिंग या मैरिज. मैरिज कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, साइंटिफिक टर्म क्या होता है, तुम्हारा मेटिंग होता है, ठीक है. उसी तरीके से मान लो अगर मेटिंग अगर अपने क्लोजली रिलेटेड के बीच में होता है, भाई बहन के बीच में होता है तुम्हारा, कजन के बीच में होता है, तो तब वहां पर क्या होता है, उस मीटिंग में दो लकीर दिखाया जाता है. यहां पर क्या दिखाया गया, देखो ये इस तरीके से दो लकीर दिखाया जाता है. समझ में आया मेरी बात? अब उसी तरीके से देखो, ये यहां पर देखो, ये अब ये तुम्हारा क्या हुआ, फैमिली ट्री बनना शुरू हुआ. देखो ये मेल और फीमेल, इसका एक बच्चा हुआ, तो इस तरीके से वर्टिकल लाइन खींच के वो क्या किया जाता है तुम्हारा, वो उसके जनरेशन को दिखाया जाता है. अब यहां पर देख लो, दो सिंबल देख रहे हो, एक ये है तुम्हारा और ये एक ये है. तो ये एक्चुअली क्या होता है, ट्विंस होता है तुम्हारा. आप देख लो यहां पर, देखो ये कहता है कि नॉन आइडेंटिकल है. नॉन आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, डाइजायगोटिक. डाइजायगोटिक का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा दो जायगोट से एट ए टाइम तुम्हारा फॉर्मेशन हुआ. उसमें क्या हो सकता है, दोनों सन भी हो सकता है, दोनों सिस्टर भी हो सकता है, या एक सन भी हो सकता है और एक डॉटर भी हो सकता है. आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, यहां पर नहीं दिया, इसके बीच में एक इस तरीके से लाइन खींचा जाता है. तो ये जो लाइन जो देखे, माने कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, कैसे देखो, तो आइडेंटिकल ट्विंस में क्या हुआ, या तो वो डॉटर होगा या तो वो सन होगा, डिफरेंट सेक्स नहीं हो सकता है. वो तुम्हारा कहाँ होगा, नॉन आइडेंटिकल में हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस एक ही जायगोट क्या होता है, वो जायगोट जो है दो भाग में बट जाता है, तो वो या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा. तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पर देखो, तो क्या करते हैं हम, ऐसे लिए सपोज करो दोनों फीमेल है, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा देते हैं. अगर नॉन आइडेंटिकल है तब वहां पर वो दोनों के बीच में लाइन नहीं होगा. देखो यहां पर दिखाया हुआ है, ये देख रहे हो. तो ये एनसीईआरटी में कुछ सिंबल आपको दिया हुआ है, इस सिंबल को तुमको याद करना है. समझ में आया? कभी कभी क्या होता है तुम्हारा, देखोगे ये सिंबल में, ये जैसे सपोज करो ये फीमेल का और इसके बीच में दो दे दिया जाता है, तो दो का मतलब क्या होता है तुम्हारा कि दो फीमेल हुआ. तीन दे देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्री फीमेल हुआ. मेरी बात समझ रहे हो?
कभी कभी क्या होता है तुम्हारा अनस्पेसिफाइड सेक्स जो जिसका सिंबल इस तरीके से बताए थे आपका ऐसे, अब इसमें फाइव दे दिया जाता है। तो ये फाइव रिप्रेजेंट मतलब क्या हुआ कि उसमें जो फाइव मेंबर है उसका सेक्स के बारे में पता नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो इतना एनसीईआरटी में सिंबल दिए हुआ है, आपको इतना सिंबल क्या है याद करना है, समझ में आया मेरी बात? आगे बढ़े, अब देख लो ये इसमें तुमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, या वो उसी को कह सकते हो टाइप्स ऑफ ट्रेड। और ये यहाँ पर पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, जैसे पढ़ोगे आगे, जेनेटिक डिसऑर्डर तुम्हारा दो तरह का होता है, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोजोमल। तो यहाँ पर मेनली तुमको मेंडेलियन डिसऑर्डर, और याद करो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप क्या पढ़े हो, वहाँ पर चर्चा हुई है तुम्हारा डोमिनेंट और रिसेसिव का, ठीक है। तो यहाँ भी जो टाइप ऑफ ट्रेट्स होता है तुम्हारा, तो वो क्या होगा, आउटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा, आउटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होगा, या सेक्स लिंक्ड ट्रेट होगा तुम्हारा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझो, समझ में आ रहा है? अब देख लो क्या होता है, हम लोगों के बॉडी में क्रोमोसोम जो है तुम्हारा कितना होता है 23 पेयर, और इस 23 पेयर में 22 पेयर को क्या बोलते हो, ऑटोसोम, और वन पेयर जो बचा इसको क्या बोलते हो, सेक्स क्रोमोसोम। अब देख लो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, दोनों होता है, होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटरोजाइगस भी होगा। तो होमोजाइगस क्या होता है, फीमेल के केस में पढ़े हो ये एक्स एक्स, अब मेल के केस में क्या होगा तुम्हारा एक्स वाई। अब ये भी आप पढ़े हो कि वाई क्रोमोसोम पे जीन की संख्या बहुत कम होता है, तो जनरली जो भी ट्रेट्स जो होता है तुम्हारा वो मेल के केस में क्या होगा एक्स क्रोमोसोम पे होगा सिर्फ, लेकिन फीमेल के केस में क्या होगा दोनों के एक्स एक्स पर होगा। अब इसी को यहां पर एक्स लिंक्ड क्या किया है, ये सेक्स क्रोमोसोम पे जो ट्रेट पाया जाता है तो उसी को कहा जाता है सेक्स लिंक्ड ट्रेट। तो ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट तुम्हारा दो तरह का होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव होगा तुम्हारा, मेरी बात समझ रहे हो, एक्स लिंक डोमिनेंट। तो अब रिसेसिव जो होगा तो जनरली फीमेल के केस में जब दोनों पे वो एलील आवेगा तभी वो ट्रेट तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा या वो फीमेल अफेक्टेड होगा। लेकिन मेल के केस में क्या होगा, तुम्हारा एक पे भी अगर वो रिसेसिव एलील आ जाता है तो वो अफेक्टेड हो जाता है तुम्हारा, समझ में आए मेरी बात? आगे बढ़ें, तो इसमें तीन ट्रेट के बारे में तुमको पढ़ना है आउटोजोमल। अब देख लो ये आउटोजोमल जो होता है डोमिनेंट और रिसेसिव, तो इसमें क्या होता है सेम टाइप, तो इसमें ये दोनों अफेक्टेड होता है, इसमें ये नहीं होता है कि मेल ज्यादा होगा या फीमेल कम होगा, इक्वली दोनों अफेक्टेड होता है, मेल भी और फीमेल भी होगा। हाँ यहाँ पर सेक्स लिंक्ड में क्या होता है तुम्हारा, इसमें थोड़ा सा किसी माने अगर रिसेसिव है तो उसमें मेल ज़्यादा अफेक्टेड होता है तुम्हारा, फीमेल ज़्यादा कैरियर होता है। अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में क्या होता है, फीमेल ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है तुम्हारा, मेल तो होता ही है लेकिन फीमेल उसमें ज़्यादा अफेक्टेड होता है, समझ में आया मेरी बात? आगे बढ़ें, अब देख लो यहाँ पर ये आता है क्वेश्चन कि आप कैसे पकड़ोगे कि वो जो पेडिग्री एनालिसिस का जो डायग्राम है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड है। तो उसका जो ट्रिक होता है तुम्हारा, अब देख लो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या कहता है कि एवरी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, मेरी बात समझ रहे हो क्या हम बोल रहे हैं, कहता है कि एवरी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज एट लीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, यानी अगर मान लो कोई पेरेंट है तुम्हारा
अगर उस पेरेंट में से कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर अफेक्टेड है तो नेक्स्ट जनरेशन भी क्या होगा, कोई ना कोई अफेक्टेड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑटोसोमल डोमिनेंट में तुम्हारा जनरेशन स्किप नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा याद करने का तरीका क्या होता है, नेवर स्किप जनरेशन। इसमें जनरेशन तुम्हारा स्किप नहीं होगा। क्या याद करोगे? देखो पहला क्या होता है, नेवर नेवर स्किप द जनरेशन, दिखाई दे रहा है? सबसे पहला देख लो, अगर सपोज करो कोई पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, डायग्राम दिए हुआ है, अगर उसमें पेरेंट भी अफेक्टेड है तो पहले दिमाग में क्या लाना है कि अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो ये मे बी ये तुम्हारा 90% क्या होगा, डोमिनेंट होगा तुम्हारा। दूसरा देखो क्या कहता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल हु मेट विद द अनअफेक्टेड इंडिविजुअल हैव ए 50% चांस ऑफ द ट्रांसमिटिंग द ट्रेट टू द ईच चाइल्ड। ध्यान से देखो क्या बोलता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, कोई अफेक्टेड है अगर उसकी शादी आप किससे करा रहे हो, अनअफेक्टेड इंडिविजुअल से, तो यहां पर क्या होता है 50% चांस रहता है तुम्हारा कि वो ट्रेट उसके चाइल्ड में जाएगा। 50% क्या होगा, अफेक्टेड होगा, 50% अनअफेक्टेड होगा तुम्हारा। अब देख लो क्या कहता है, टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन वाई। अब यहां पर देखो क्या कहता है कि टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन, ये ऑटोसोमल में देख लो। अब देख लो, आप पढ़े हो कि डोमिनेंट में क्या होता है तुम्हारा, अगर एक भी एलील अगर आ जाता है तुम्हारा तो वो अफेक्टेड हो जाता है। अब यहां पर क्या कहता है, देखो टू अफेक्टेड इंडिविजुअल, सपोज करो ये फीमेल है ये मेल है, देखो शादी होता है, अब यहां पर क्या, अब ये अफेक्टेड है तुम्हारा, अब मान लो ये हो इसका चिल्ड्रन हुआ, कहता है कि ये अनअफेक्टेड होता है। अब यहां पर कैसे करोगे, अब देख लो पढ़े हो डोमिनेंट में क्या होता है तुम्हारा, अगर मान लो उसको आप सिंबलाइज करते हो, जैसे वहां पर क्या किए थे मेंडल में पी टॉल को कैपिटल टी दिए थे तो डोमिनेंट एलील था, रिसेसिव का आप स्मॉल टी, इसी तरीके से ऑटो मान लो यहां पर हम रिप्रेजेंट करते, देख लो या तो ये ए ए हो सकता है या ये ए ए हो सकता है, ई भी अफेक्टेड है तो देखो ये ए ए ए हो सकता है या ये हो सकता है। अगर सपोज करो इस दोनों पेरेंट में से कोई अगर होमोजाइगस है, मान लो ये होमोजाइगस ये है, और ये अगर हेटरोजाइगस भी रहेगा तो तुम्हारा चिल्ड्रन अफेक्टेड होगा ही। मेरी बात समझ रहे हो? कैसे देखो, अगर इस अगर ये होमोजाइगस है तो इससे गैमिट बनाओ, तो देख लो ये दो गैमिट सेम है, अब अगर ये हेटरोजाइगस है सपोज करो पेरेंट, तो ये एक ही देखो ये इधर दोनों कैपिटल ए है, तो क्या होगा एक सिचुएशन ई भी आ सकता है तुम्हारा, तो फिर भी तो अफेक्टेड हो गया, भले वो हेटरोजाइगस बना लेकिन क्या हुआ फिर भी अफेक्टेड हुआ। तो इस यहां पर क्या कहता है कि टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन, तो यहां पर क्या होगा कि दोनों पेरेंट क्या है तुम्हारा हेटरोजाइगस है, हेटरोजाइगस है, ये सिचुएशन होगा तुम्हारा। क्या होगा ये सिचुएशन होगा, तो देख लो ये ए सॉरी ये देखो ये मिलेगा तो क्या होगा चिल्ड्रन अफेक्टेड होगा, और ये भी आप पढ़े हो ये तो मान लो सपोज करो यहां पर ये सब ये अफेक्टेड है तो देखो ये गैमिट बना, अब देखो या तो ये इससे करेगा या ये इससे करेगा, ये इससे करेगा या तो इससे ही करेगा, तो देखो सिचुएशन क्या बनता है ए ए
एक तुम्हारा होमोजाइगस भी बनेगा, देखो दूसरा क्या होगा, देखो ए ए और ये, अब देखो यहां पर ये तुम्हारा जाइगोट बनने का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हो सकता है कि हमेशा जब फर्टिलाइजेशन होता है तुम्हारा तो ये ए ए से हो सकता है, आप परे 50% क्या होता है तुम्हारा ह्यूमन के केस में, चांस तो रहता है कि 50% मेल और 50% फीमेल का, लेकिन कभी कभी क्या होता है सिर्फ मेल ही होने लगता है, कभी कभी क्या होता है सिर्फ फीमेल भी होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार अगर मेल हुआ तो दूसरे बार फीमेल होगा, तीसरे बार फिर मेल होगा, चौथा, तो ये चांस होता है कि वो जीन किससे फर्टिलाइज करता है। तो मान लो हो सकता है कि हर बार ये स्मॉल ए इस स्मॉल ए से फर्टिलाइज करे तो क्या होगा, तुम्हारा चिल्ड्रन अफेक्टेड होगा। तो एक कैरेक्टर ये भी होता है तुम्हारा डोमिनेंट में कि अगर वो इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो क्या होगा, उसका चिल्ड्रन अनअफेक्टेड भी हो सकता है। तो इसको कैसे प्रूफ करोगे, समझ में आ गया, इसका मतलब दोनों पेरेंट क्या होगा, हेटेरियोजाइगस होगा। समझ में आया मेरी बात। एक देखो, एक सिचुएशन और हो सकता है, ध्यान से देखो, जैसे यहां देखो ये डायग्राम दिए हुआ है, अब देखो इसमें एक पेरेंट तुम्हारा क्या है, अफेक्टेड है, एक तुम्हारा अफेक्टेड नहीं है, लेकिन उसका चिल्ड्रन देखो अफेक्टेड हो गया, कैसे होगा जल्दी बोलो, क्योंकि अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो ये अनअफेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये तो रहवे करेगा। अब यहां पर ये आता है तुम्हारा कि ये क्या हो सकता है, होमोजाइगस होगा कि हेटेरोजाइगस होगा, अगर होमोजाइगस होता होगा तो ये अफेक्टेड होगा तुम्हारा, तब इस जनरेशन में ऑल द चिल्ड्रन क्या होगा तुम्हारा, अफेक्टेड होगा तुम्हारा। तो यहां पर ये भी हो सकता है तुम्हारा, देख लो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन जो अनअफेक्टेड है वो क्या होगा तुम्हारा, रिसेसिव एलील रखे हुआ है, दोनों सिचुएशन हो सकता है। तो यहां पर चांस क्या है, देखो यहां पर अनअफेक्टेड भी हो सकता है, जो यहां पर हमने बोला है कि टू अफेक्टेड इंडिविजुअल, यहां पर तो टू है तुम्हारा, यहां तो एक ही दिए हुआ है तुम्हारा, तो ये कैसे हो गया अफेक्टेड, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा ये होगा हेटेरोजाइगस होगा तुम्हारा। क्लियर हुए। कभी कभी ये भी सिचुएशन होता है कि सपोज करो दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, अब देखो इस ये फीमेल तुम्हारा अफेक्टेड हो गया, अब यहां पर कैसे हुआ देख लो, और लेकिन एक देख लो यहां पर मेल क्या है, अनअफेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हेट्रो ये होमोजाइगस हो ही नहीं सकता है, इस दोनों में से कोई ना कोई हेटेरोजाइगस होगा ही, ये तो होगा ही हेटेरोजाइगस, ये हो सकता है, लेकिन देखो ये दोनों होगा हेटेरोजाइगस, क्योंकि अगर एक को होमोजाइगस अगर कर देते हो तब तो दो कैपिटल ये है, तब तो क्या होगा तुम्हारा, इसका पूरा जनरेशन क्या होगा, सब अफेक्टेड हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका बोथ द पेरेंट क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। समझ में आया मेरी बात, क्लियर हुए, बोलो कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलो। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट को पकड़ने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया था कि इसमें जनरेशन स्किप नहीं होता है, हर जनरेशन में एक न एक तुम्हारा आएगा है। दूसरा हमने क्या बताया था तुम्हारा कि अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है हु मेट विद द अनअफेक्टेड इंडिविजुअल हैव 50% चांस ऑफ द ट्रांसमिटिंग द ट्रेट टू द ईच चिल्ड्रन। तीसरा देखो, टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मे हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन, व्हाई उसको बता दिए क्यों व्हाई हुआ, आगे बढ़े। अब इसको थोड़ा सा स्टडी करो, देखो ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल, देखो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, देखो हर जनरेशन में देखो अफेक्टेड आया है तुम्हारा, तो इस तरीके का अगर पेडिग्री एनालिसिस देखो तो आंख मूंद के सोचे क्या लिखना है तुम्हारा, क्या होगा ये, ऑटोसोमल
डोमिनेंट। अब ये कैसे हुआ बताओ? इसका मतलब देख लो, यहां पर क्या दे रहा है, एक पेरेंट अनएफेक्टेड है तो ये तो ए होगा ही तुम्हारा। अब यहां पर आता है जो अफेक्टेड है, ये होमोजाइगस है कि हेटरोजाइगस है तुम्हारा? तो अगर होमोजाइगस होगा तो क्या होगा, इसका जितना भी है सब क्या होगा, तुम्हारा अफेक्टेड हो जाएगा तुम्हारा। और ध्यान से देखो, यहां पर एक देखो तुम्हारा, यहां देखो अनएफेक्टेड, यहां तुम्हारा अनएफेक्टेड है। तो अनएफेक्टेड का मतलब क्या है कि ये तुम्हारा होमोजाइगस नहीं होगा, ये क्या होगा, हेटरोजाइगस होगा। अगर सपोज करो इस जनरेशन में देखो ना, इसका इसका क्या है, देखो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा और छठा है तुम्हारा। तो इसमें देख लो, एक दो तीन चार अफेक्टेड है, एक दो तुम्हारा अनएफेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो अफेक्टेड जो है तुम्हारा वो होमोजाइगस में होके क्या होगा, हेटरोजाइगस होगा। समझ में आया मेरी बात? अब इसके आधार पे आप इसका एलील का थी जीनोटाइप निकाल लो। ये जो अनएफेक्टेड आया है तो इसका मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, ए ए, ये क्या होगा, ए ए। अब इसमें जो अफेक्टेड है ये भी हेटरो ही जाइगस होगा तुम्हारा, ए ए। अब यहां देखो, फिर ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ये इस फीमेल का शादी जिस मेल से हो रहा है वो अनएफेक्टेड है तुम्हारा, तो वो स्मॉल ए स्मॉल होगा। तो क्या हुआ तुम्हारा, यहां पर देखो ये ए ए आ गया और ये ए ए हो गया। यहां भी देखो सिचुएशन, अब इसकी देखो इससे शादी है तो आप देख लो यहां पर क्या हुआ। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ए ए ए ए, ये क्या होगा, ए ए, सेम सिचुएशन होगा। समझ में आया? तो इसको कैसे पकड़ोगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है? देखो इसमें जनरेशन तुम्हारा स्किप नहीं कर रहा है। क्लियर हुए? आगे बढ़ें। ये देखो एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में क्या क्या तुमको आता है। देखो क्या कहते, पहला एग्जाम्पल तुम्हारा क्या कहता है, एक्नोड्रोप्लेसिया काइंड ऑफ ड्वार्फिज्म होता है तुम्हारा। उसके बाद कहता है एको सिंड्रोम होता है तुम्हारा, क्रोनिक स्नीजिंग, स्नीजिंग में नाक से फोटा निकलते हैं। फेमिनिनल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, ये हिंटिंगन डिसऑर्डर होता है तुम्हारा, डिटोरिएशन ऑफ द नर्वस सिस्टम आफ्टर 30 ईयर्स ऑनवर्ड। पोलीडेक्टाइल, ये एक से अधिक उंगली, ये पाँच होता है ना, पाँच से ज़्यादा हो जाना तुम्हारा। उसी तरीके से दूसरा होता है तुम्हारा प्रोगेरिया, ड्रेसिटिक प्री मैच्योर एजिंग होता है तुम्हारा। समझ में आया है? तो ये एग्जाम्पल आपको इसमें पढ़ना, हालांकि ये एनसीईआरटी में तुम्हारा इसमें दो ही मेन दिए हुआ है, सिकिल सेल एनीमिया और हेमोफिलिया, ठीक है, वो होता है तुम्हारा आउटो, उसमें से एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव सिकिल सेल एनीमिया और दूसरा जो है तुम्हारा वो सेक्स लिंक्ड में आ जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब आ जाओ ऑटोसोमल रिसेसिव। अब देखो यहां पर क्या कहता है तुम्हारा, ऑटोसोमल रिसेसिव में रिसेसिव का मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि वो दोनों एलील जब आवेगा, मान लो सपोज करो यहां पर हम ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो ये अनएफेक्टेड का है और ये सिंबल
अफेक्टेड का है और ये रिसेसिव है, तो आप पढ़े हो रिसेसिव के लिए क्या होता है कि दोनों एलील अगर आता है तभी वो अफेक्टेड होता है। डोमिनेंट में क्या होता है, तुम्हारा दोनों में से कोई एक भी अगर आ जाता है तो वो अफेक्टेड हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है, देखो कहता है एन इंडिविजुअल हु इज अफेक्टेड मे हैव पेरेंट हु आर नॉट अफेक्टेड। यहां पर क्या हो सकता है कि पेरेंट अफेक्टेड नहीं है लेकिन उसका चिल्ड्रन क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया तुम्हारा। अगर सपोज करो यहां पर एक सिंबल हम दिखाए हुए हैं, तुम्हारा ध्यान से देखो, इसमें पेरेंट भी अफेक्टेड है और तुम्हारा चाइल्ड भी अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तुम्हारा क्या है, ये देखो होमोजाइगस है, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, होमोजाइगस होगा। पहला लाइन क्या कहता है कि एन इंडिविजुअल हु इज अफेक्टेड मे हैव पेरेंट्स हु आर नॉट अफेक्टेड। मान लो यहां पर कहता है कि ध्यान से देखो, ये कहता है पेरेंट नहीं अफेक्टेड है लेकिन इसका चिल्ड्रेन जो है वो क्या होता है, मान लो सपोज करो हम ये मेल का बनाते हैं और ये कहता है अफेक्टेड है। अब यहां पर देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है तुम्हारा क्या है, हेटेरोजाइगस है। ये सिचुएशन हुआ तुम्हारा ए ए ए ए। वहां डोमिनेंट का भी सिंबल हम ऐसे ही दिए थे तो थोड़ा सा यहां पर अलग पढ़ना, रिसेसिव के लिए ये दोनों एलील आना जरूरी है, समझ रहे हो मेरी बात, ये दोनों स्मॉल ए आना जरूरी है तुम्हारा, तभी वो अफेक्टेड होगा। तो यहां देखो ये दोनों है, देखो क्या होगा इसमें, ये इससे ये क्रॉस कर जाता है, यहां पर गैमिट तुम्हारा क्या होगा, ए ए भी बनेगा और ए ए भी बनेगा। तो देख लो उसका चिल्ड्रन में क्या आ गया तुम्हारा, ये ए। तो यही चीज यहां पर दिए हुआ है कि एन इंडिविजुअल हु इज अफेक्टेड मे हैव पेरेंट्स हु आर नॉट अफेक्टेड। समझ में आया मेरी बात। दूसरा कहता है कि चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स मे बी अफेक्टेड। ध्यान से देखो, अगर पेरेंट अफेक्टेड नहीं है हो सकता है कि उसका चिल्ड्रन अफेक्टेड हो जाए। दूसरा यहां पर केस क्या होता है कि कभी कभी इसमें क्या होता है, जनरेशन स्कीप करता है। अगर सपोज करो एक दो जनरेशन में वो डिजीज नहीं आया है तो आपका दिमाग कहां जाना चाहिए कि वो हो ना हो पेडिग्री, ऐसे तुम्हारा ऑटोसोमल रिसेसिव है। समझ में आए मेरी बात। अब देखो यहां पर क्या कहता है कि ऑल द चिल्ड्रन ऑफ टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड। क्या कहता है, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ टू अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो अभी क्या बोले, यहां देख लो, अगर उसका दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड का मतलब क्या हो गया, दोनों तुम्हारा एलील है वहां पर, वो होमोजाइगस है, तो उसका ऑल द चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, तुम्हारा अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखो क्या कहता है, कहता है इन पेडिग्री इन्वॉल्विंग रेयर ट्रेट द अनअफेक्टेड पेरेंट ऑफ एन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मे बी रिलेटेड टू ईच अदर। समझ में आए, वही जो पहला लाइन है उसी को थोड़ा सा इलुबरेट किया है, पकड़ लोगे। ये देख लो कैसे पकड़ोगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव। हमने क्या बोला था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में जनरेशन स्किप कभी भी नहीं करता है तुम्हारा, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा, जनरेशन तुम्हारा स्किप करेगा। देख लो यहां पर ये पेरेंट हो गया, इसका पहला जनरेशन देखो, दूसरा जनरेशन में तुम्हारा वो डिजीज आता है। अब देखो ये तुम्हारा डिजीज आने के लिए यहां पर देखो इसकी मेटिंग होती है तो ये मस्ट क्या होना चाहिए, इसका एलील क्या होना चाहिए, ये ए होना चाहिए। और इसको होने के लिए तुम्हारा मस्ट है ये दोनों पेरेंट क्या होना चाहिए, तुम्हारा ए। अब यहां भी कहोगे कि सर ये दोनों जो है रिसेसिव भी क्यों आ गया, यहां पर तो दो तरह का, यहां पर तो गैमिट तुम्हारा ये सॉरी जायगोट ए ए भी बन सकता है और स्मॉल ए भी हो सकता है। तो हमने बोला ना कि ये चांस होता है तुम्हारा, ये इन्वायरमेंटल है। अब हर बार जो है ये स्मॉल ए इसी स्मॉल ए से फर्टिलाइज कर जाता है तो जायगोट क्या बनेगा, स्मॉल ए बनेगा। और जब दोनों ए ए आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा अफेक्टेड हो जाएगा तुम्हारा। तो एक सिचुएशन ये दी हुआ, तो जैसी जनरेशन अगर स्कीप देखो तो सोचे दिमाग कहां जाना चाहिए, तुम्हारा ऑटोसोमल रिसेसिव पर। उसी तरीके से देखो बी सिचुएशन दिए हुआ है तुम्हारा, यहां देखो
पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन भी नहीं अफेक्टेड है तुम्हारा, इसका तीसरा जनरेशन आके अफेक्टेड हो गया। अब देख लो या तीसरा जनरेशन जो दिखा रहा है, तो ये जो आया है तुम्हारा, तो ये नहीं हो सकता है, तब ये अफेक्टेड नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, और ये जो है जिससे इसका शादी हो रहा है, तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये ए है। ये होमोजाइगस नहीं होगा, क्योंकि होमोजाइगस हो जाता तब तो तुम्हारा एसमोले एबे नहीं करता। यहां पर जो डिजीज दिखा रहा है, तो ये इसका मतलब ये ए है तुम्हारा। समझ में आया मेरी बात, क्लियर हो रहे हो? हैं, आगे बढ़ें। ये देखो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का एग्जाम्पल तुम्हारा एल्बिनिज्म दिया हुआ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एनसीईआरटी में दिए हुआ है। ये देखो ग्लैक्टस एमिया होता है तुम्हारा, और एक तुम्हारा देखो एनसीईआरटी में सिकल सेल एनीमिया, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है। हालांकि इसमें और भी आता है तुम्हारा फिनालाइन कीटोनोरिया भी आता है इसमें, फिनेनाइल कीटोनोरिया आता है तुम्हारा इसमें, दूसरा आता है तुम्हारा अल्कपेटोनोरिया आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस बतावे करिए, थैलेसेमिया भी इसी में आता है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हारा ये दिए हुआ है सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लियर है? तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये देखो कहता है कि डोमिनेंट जो ट्रेट होता है, कहता है ये फुल्ली डोमिनेंट ट्रेट टिपिकली अपीयर्स इन ईच जनरेशन। अगर कोई डोमिनेंट, अगर फुल्ली डोमिनेंट ट्रेट, मतलब फुल्ली का मतलब क्या कि वो होमोजाइगस है, तो हर जनरेशन में तुम्हारा क्या होगा, बिकॉज द एलील यूजुअली इज एक्सप्रेस्ड इवन इन द हेट्रोजाइगस। ये देखो इट विल देयरफोर नॉट स्किप द जनरेशन एंड विल देयरफोर ऑफन अपीयर टू बी रिलेटिवली कॉमन इन पेडिग्री। कहता है ए डोमिनेंट ट्रेट विल नॉट ऑकर इन एन इंडिविजुअल अनलेस इट ऑल्सो अपीयर इन एट लीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स, अनअफेक्टेड पेरेंट्स विल हैव ओनली अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में क्या कहता है कि अनअफेक्टेड अगर पेरेंट है उसका, तो उसका चाइल्ड भी क्या होगा तुम्हारा, अनअफेक्टेड होगा। समझ में आया मेरी बात? ये देखो रिसेसिव ट्रेट में क्या कहता है तुम्हारा, कहता है रिसेसिव ट्रेट कॉमनली स्किप वन और मोर जनरेशन। देखो याद ट्रिक कैसे पकड़ना है, ए रिसेसिव ट्रेट कॉमनली स्किप वन और मोर जनरेशन। कहता है कि रिसेसिव कंडीशन आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द पेडिग्रीज दैट इंक्लूड्स मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव्स। अब समझ में आया, क्लोज रिलेटिव्स कजन के बीच में अगर होता है तुम्हारा, तो वहां ज्यादा ये रिसेसिव एलील तुम्हारा आता है। परे यो इन ब्रीडिंग जो होता है तुम्हारा, तो उसमें क्या होता है, रिसेसिव जो एलील होता है तो आने का चांस ज्यादा होता है। अब देखो कहता है इन ए मैरिज ऑफ टू अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। ध्यान से देखना, यहां पर कहता है कि अगर दोनों पेरेंट अगर वो अफेक्टेड है, कहां, ऑटोसोमल रिसेसिव में, तो यहां भी क्या होगा, ऑल द चिल्ड्रन क्या होगा, वो भी अफेक्टेड होगा। कहता है इफ बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस एनी चाइल्ड ऑफ देयर विल हैव ए 50% चांस ऑफ द बीइंग ए हेटेरोजाइगस कैरियर एंड 25% चांस ऑफ द बीइंग ए होमोजाइगस रिसेसिव एंड अफेक्टेड। समझ में आया मेरी बात, क्या कह रहा है? कहता है इफ बोथ द पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस का मतलब क्या हुआ, देख लो
मान लो ये है पेरेंट तुम्हारा, तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा 50% चांस क्या रहता है, हेटरोजाइगसी बनेगा, यही सिचुएशन बनेगा तुम्हारा, तो वो अनएफेक्टेड हो गया। लेकिन एक सिचुएशन देखो, 25% तो ये बनता है ना, देखो ना, आया समझ में, आया मेरी बात, याद रहेगा। अब आ जाओ तुम्हारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आ जाओ, अब देख लो एनसीईआरटी में तुम्हारा ये सिक्स एक्स लिंक्ड या सिक्स लिंक्ड बोलते हो तो सिर्फ रिसेसिव पढ़ना, लेकिन इसमें दोनों होता है, डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है तुम्हारा। तो अब देख लो, अगर सपोज करो वो रिसेसिव है एक्स लिंक्ड तुम्हारा, अब देख लो क्या होता है, मान लो एक सिचुएशन हम देते हैं, ये क्या कहता है देखो, ये हम ये तो रिसेसिव, हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं तुम्हारा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। आप देखो डोमिनेंट में आप पढ़े हो क्या होता है कि अगर एक भी एलील अगर आ जाता है तो वो अफेक्टेड हो जाता है। सपोज करो एक नॉर्मल फीमेल है तुम्हारा और इसका शादी एक ऐसे मेल से हो रहा है जो अफेक्टेड है तुम्हारा, तो यहां देखो वो एलील यहां पर है तुम्हारा, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा तुम्हारा, जल्दी बताओ। अब इससे जो भी फीमेल आवेगा तुम्हारा वो क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा, लेकिन मेल क्या होगा तुम्हारा, अनअफेक्टेड होगा। कैसे, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। हाँ मोनिका, अरे क्या होता है, आप सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े हो ना कि फीमेल में जो एक एक्स क्रोमोजोम है वो कहां से आता है, तुम्हारा मेल से आता है, और मेल में जो एक्स क्रोमोसोम जाएगा वो कहां से जाएगा, तुम्हारा फीमेल से जाएगा। देखो ना ये एक्स और ये एक्स वाई है, देख लो, अब ये एक्स वाई से मिला, ये एक्स वाई से, देखो अब देखो ये दोनों मेल हो गया तुम्हारा, अनअफेक्टेड है, लेकिन अब ये एक्स जो है देखो इस एक्स से मिलेगा या इस एक्स से, तो देख लो क्या होगा, वो एलील तुम्हारा आ गया ना, तो एक ही आ गया, तो क्या हो गया तुम्हारा, वो फीमेल क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो हमेशा याद रखना तुम्हारा सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड में क्या होता है, अगर डोमिनेंट है तो अगर फादर अगर अफेक्टेड होगा तो उसका ऑल द डॉटर क्या होगा, अफेक्टेड होगा, मेल नहीं अफेक्टेड होगा। समझ में आया मेरी बात, क्योंकि मेल में जो एक्स क्रोमोजोम आता है वो फीमेल से आता है और फीमेल का यहां पर अनअफेक्टेड है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में जितना फीमेल होगा वो सब अफेक्टेड होगा अगर फादर अगर अफेक्टेड है। क्लियर हुए, क्योंकि डोमिनेंट में एक भी एलील अगर आ जाता है तुम्हारा तो वो अफेक्टेड हो जाता है। समझ में आया मेरी बात, क्लियर हुए। तो क्या होगा, डोमिनेंट में तुम्हारा वो उसका जो मेल जो होगा सन जो होगा वो अनअफेक्टेड होगा तुम्हारा। एनसीईआरटी में तुम्हारा क्या चर्चा किया हुआ है, रिसेसिव का किया हुआ है, रिसेसिव एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा हेमोफीलिया,
क्या होता है रिसेसिव में, देखो बोथ मेल्स एंड फीमेल, इसको हटा देते हैं, तो वो क्या कहता है, बोथ मेल एंड फीमेल्स कैन बी अफेक्टेड बट द ट्रेट इज मच मोर कॉमन इन द मेल। ये जो रिसेसिव जो होता है तुम्हारा वो ज्यादा तुम्हारा मेल में होता है, फीमेल जो होता है कैरियर, क्योंकि पढ़े हो ना कि रिसेसिव के लिए दोनों एलील चाहिए। लेकिन अब मेल के केस में क्या होता है तुम्हारा कि वो एलील सिर्फ एक्स पे ही रहेगा, इस वाई पर तो आएगा नहीं, तो एक ही यहां पर सफिशियंट है वो एक्सप्रेस करने के लिए। फीमेल के केस में क्या होगा, दोनों पर जब तक नहीं आवेगा वो अफेक्टेड नहीं होगा तुम्हारा, अगर एक पे आ गया तो वो कैरियर हो गया। तो एक्स लिंक्ड में या सेक्स लिंक्ड में क्या होता है तुम्हारा, मेल जो होता है वो ज्यादा अफेक्टेड होता है इन कंपेरिजन टू द फीमेल। और इसमें क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, क्रिस क्रॉस का मतलब समझ रहे हो क्या होता है। हमने अभी क्या बोला कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फीमेल जो होता है वो कैरियर का काम करता है, मेल नहीं अफेक्टेड होता है। लेकिन सिचुएशन कब होगा तुम्हारा कि जैसे सपोज करो ये मेल अफेक्टेड है तुम्हारा, एक ही एलील है, अब ये नॉर्मल फीमेल से शादी होता है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें जो फीमेल होगा तुम्हारा तो वो तो ये ले लेगा एलील, लेकिन मेल में नहीं होगा तुम्हारा क्योंकि ये फीमेल तुम्हारा नॉर्मल है। लेकिन अब इस फीमेल के जब शादी होगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, इस फीमेल का जब शादी होगा तो उसका जो सन होगा तो ये एक्स चला जाएगा ना, तो इसी को कहा जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझ में आया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, समझे? हाँ मोनिका, समझ में आया? आगे बढ़े, अब देखो क्या कहता है, अफेक्टेड मेल्स ट्रांसमिट द एलील टू ऑल ऑफ देयर डॉटर्स बट नॉट टू एनी सन। देख लो, अगर वो मेल अफेक्टेड है तो अपनी बेटी में वो एलील भेजेगा लेकिन सन में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सन में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो फीमेल से आता है। अब देखो, थर्ड डॉटर ऑफ अफेक्टेड मेल आर यूजुअली हेटरोजाइगस एंड देयर फोर नॉट अफेक्टेड। कहता है कि ऑल सन ऑफ ए फीमेल हु एक्सप्रेस द ट्रेट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। क्लियर हुए? एक दो एग्जाम्पल से इसको समझो, कैसे समझोगे देख लो। अब देखो, ये इस टाइप का पेडिग्री एनालिसिस है तुम्हारा। अब इसको कैसे पकड़ोगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या ये सेक्स लिंक्ड है तुम्हारा? ध्यान से देखो, यहां पर पेरेंट में देख लो, ये फीमेल को अफेक्टेड दिखाया हुआ है और यहां पर देख लो क्या हुआ है तुम्हारा, मेल अफेक्टेड है। अब देखो, एक जनरेशन तुम्हारा स्किप कर गया है, तो जब वन जनरेशन तुम्हारा स्किप कर गया है तब तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो होगा नहीं, तो क्या होगा तुम्हारा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा।
क्या होगा ये? ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। कैसे इसको प्रूव करोगे कि ऑटोसोमल ये रिसेसिव है? अब देखो ये तो एकदम ये ही होगा तुम्हारा। अब यहां पर ये जो आता है तुम्हारा मेल जो है, तो ये दोनों सिचुएशन हो सकता है। देख लो आप दोनों लेके चल सकते हो, ए ए भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन अगर सपोज करो होमोजाइगस लेके चलते हो तब यहां पर देखो सिचुएशन क्या होगा तुम्हारा। तब क्या होगा, ये टोटल तुम्हारा क्या बनेगा, ए ए, ये देखो अनएफेक्टेड है तुम्हारा। अब इसकी शादी देखो, लेकिन यहां पर देख लो क्या कहता है कि एक मेल उसका अफेक्टेड हो गया, तो इसका मतलब ये जब भी होगा तो हेटेरोजाइगस होगा तुम्हारा। ये क्या होगा, ये होगा, तभी ये अफेक्टेड होगा तुम्हारा। क्या हुआ यहां पर, ये ए ए ए ए और ये क्या बन गया तुम्हारा, ए ए बन गया। मोलेलिसा समझ में आया? तो जनरली इस टाइप में देख लो, अगर ये कैपिटल ए कैपिटल लेते तब तो सब ए, लेकिन अगर ए होता तो ये अफेक्टेड हो जाता तुम्हारा यहां पर। अगर सपोज करो ये सिचुएशन लेके चलते तब तो चांस है ना तुम्हारा अफेक्टेड होने का फर्स्ट जनरेशन। तो कैसे पकड़े, देख लो यहां पर एक तो तुम्हारा जनरेशन स्किप किया ये, तो जैसे जनरेशन स्किप होता है तुम्हारा क्या होता है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाता है। समझ में आया, जल्दी बोलो। हाँ मोना हंस रही है, समझ में आया? आगे बढ़े, आप देखो तो एक सिचुएशन ये है तुम्हारा, दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, लेकिन देख लो आई दोनों चाइल्ड अनअफेक्टेड है, क्या होगा जल्दी बोलो। क्या होगा जल्दी बोलो, अरे यार ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा ये। अब देखो सिचुएशन क्या होगा, ये होगा तुम्हारा। क्या हुआ यहां पे देखो, स्मॉल स्मॉल मिलने का चांस ज्यादा है, दोनों क्या हो गया तुम्हारा देख लो, ये हो गया, इसलिए क्या हो गया ये अनअफेक्टेड हो गया तुम्हारा। समझ में आया मेरी बात, रिसेसिव तो होगा नहीं तुम्हारा। अगर दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड होगा तो उसका नेक्स्ट जनरेशन ऑल अफेक्टेड होगा ना तुम्हारा, क्योंकि दोनों में क्या होगा, स्मॉल 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 में होगा। समझ में आया, अब देखो एक सिचुएशन और दिए हुआ है तुम्हारा। अब देखो यहां पर ये अनअफेक्टेड पेरेंट्स है, ये देख लो ये अफेक्टेड हो गया, जल्दी बताओ ये क्या होगा। अब देख लो डोमिनेंट तो होगा नहीं तुम्हारा, क्या होगा ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा तुम्हारा। क्या होगा सिचुएशन देख लो, ये देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, होमोजाइगस नहीं होगा तुम्हारा। क्लियर हुए, मिटा मैं इसको,
अब देखो एक सिचुएशन ये दिए हुआ है, देख लो इसका मेल अफेक्टेड है, अब देखो ये फीमेल सब अफेक्टेड है, आप पकड़ो क्या हो सकता है, क्या बताए थे सेक्स लिंक्ड में, क्या बताए थे तुम्हारा, अगर वो सेक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट होगा तो उसमें सिर्फ फीमेल अफेक्टेड होगा, इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गया तुम्हारा, देखो ना इतनी फीमेल है, क्या है ये देखो सिचुएशन क्या होगा, ये अफेक्टेड है, ये देखो अनअफेक्टेड है तुम्हारा, अब देख लो ये फीमेल में क्या होगा, एक्स कहां से आता है, मेल से, इसमें जो एक्स एक्स आया कहां से आया देखो, और मेल में कहां आता है, फीमेल से, तो देखो इसलिए अनअफेक्टेड है, समझ में आया, अब देखो एक और हम एग्जाम्पल देते हैं, सो पकड़ो ये, इसका जवाब आप लोग दोगे, ये देखो ये तुम्हारा मेल अफेक्टेड है, फीमेल तुम्हारा नॉर्मल है, देख लो यहां पर, अब देखो इस जनरेशन में क्या हुआ, दो मेल और एक फीमेल और सब नॉर्मल है तुम्हारा, अब इसकी शादी देख लो, एक नॉर्मल मेल से होता है तुम्हारा, ये नॉर्मल मेल है, अब देख लो ये देखो यहां फीमेल सॉरी मेल तुम्हारा अफेक्टेड हो गया, क्या होगा ये जल्दी बोलो, ये क्या है तुम्हारा एक्स लिंक्ड, तुम्हारा रिसेसिव एलील हो गया तुम्हारा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है तुम्हारा, ये हीमोफीलिया, समझ में आया मेरी बात, कभी कभी देखो कि नीट में क्वेश्चन जो आता है तुम्हारा, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं तुम्हारा, एक पेडिग्री एनालिसिस दिया, इसको देख लो, तो थोड़ा सा देखो कैसे चॉइस को हेरा फेरी करता है तुम्हारा, ये देखो
ये आपका पेडिग्री एनालिसिस है। अब इसमें कहता है चॉइस क्या दिया हुआ है कि ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट है तुम्हारा, या को डोमिनेंट है, और चौथा चॉइस दिया हुआ है कि इट कैन बी रिसेसिव और डोमिनेंट बोथ। मान लो सपोज करो यहां पर चॉइस में तुमको क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है डोमिनेंट, दूसरा दिया हुआ है तुम्हारा रिसेसिव, सी दिया हुआ है को डोमिनेंस भरमाने के लिए, डी चॉइस दिया हुआ है तुम्हारा इट मे बी। डोमिनेंट और रिसेसिव बोथ, आप जल्दी बोलो क्या होगा। अब यहां पर धड़फड़ा के मत पकड़ना, देखो यहां जनरेशन स्किप नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कर देना कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, थोड़ा सा समय देना। हाँ, अगर ये चॉइस तुम्हारा डी अगर नहीं रहता कि इट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव और बोथ, अगर ये चॉइस नहीं रहता तब तो ऑटोसोमल, क्योंकि क्या हो रहा है तुम्हारा जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है तुम्हारा, तब ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाता तुम्हारा। लेकिन अब इसको सिचुएशन देखो क्या हो सकता है, कैसे इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं होगा रे, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा तुम्हारा। देख पूरा मिट गया, इसको नेक्स्ट डे तुम बना के लाना, समझ में आया है? इसको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि देख लो सिचुएशन यहां पर क्या होगा, जो अनएफेक्टेड है तो ये ए होगा, और जो अफेक्टेड है तो ये ए होगा। अब मान लो इससे जो तुम्हारा आया, अब वो चार जो दिया था तुम्हारा, दो डॉटर और दो सन जो दिया था, वो चारों तुम्हारा क्या था, अफेक्टेड था। इसका मतलब क्या होगा, वो चारों तुम्हारा ये ए ए इसलिए क्या हो गया, चारों तुम्हारा अफेक्टेड हो गया, तो ये तुम्हारा डोमिनेंट नहीं, देखो ऑटोसोमल रिसेसिव दोनों। हम डोमिनेंट तो पकड़ ही लिए कि जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है, लेकिन आप पढ़े हो कि ऑटोसोमल रिसेसिव में जनरेशन स्किप करता है, लेकिन यहां जनरेशन तो एक तो जनरेशन नहीं स्किप किया था, तो उससे कह दिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर वो चौथा चॉइस अगर नहीं रहता कि इट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव और बोथ, तब तो अगर वो नहीं रहता तुम्हारा तो सोझे मारते ऑटोसोमल डोमिनेंट पे, ठीक है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे होगा देख लो, यहां पर ये सिचुएशन है तुम्हारा। अब इसकी जो शादी करता है तुम्हारा वो ये देखो, ये होगा तुम्हारा, जिसके चलते क्या होता है तुम्हारा देख लो, ये जो तीन आता है तो ये ए ए हो जाता है तुम्हारा, और ये ए ए हो जाता है, जिसके चलते ही देखो ये रिसेसिव ये तुम्हारा अफेक्टेड हो जाता है। अब यहां पर आप कहोगे कि सर ये चारों स्मॉल स्मॉल, तो हमने क्या बोला, ये तो चांस होता है ना तुम्हारा, हर बार जो है ये गैमिट जो है इससे फर्टिलाइज कर जाता है, और एक बार क्या हुआ ये ए गैमिट इस ए से किया तो देखो नहीं आया, इसका तो चारे था, तो हर बार चांस क्या हुआ ये यही तुम्हारा फर्टिलाइज इससे ए आता है। तो पढ़े हो ना कि वो एक्स और वाई की जो बात आती है तो यहां पर क्या होता है, वो चांस होता है कि कौन सा एलील कौन से फर्टिलाइज करेगा, तो इसमें चांस था, हर बार वही हुआ इसलिए अफेक्टेड हो गया तुम्हारा। तो ये क्या होगा, ये जो पेडिग्री होगा तो उसमें आपका चॉइस देना पड़ेगा तुम्हारा डी का, दोनों हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। समझ में आया मेरी बात?
समझ में आया? इसका और एग्जाम्पल बनाना अपने से, ये इतना पेडिग्री एनालिसिस में हमको बताना था, उम्मीद है समझ में आया होगा। हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे समझ में आया, लेकिन जो तीन चार पॉइंट जो हम बताए थे कि कैसे पकड़ोगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है और ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो उसी को दिमाग में रख के बना। लेकिन अगर सपोज करो नीट में च्वाइस अगर इस तरीके का आवे कि उसमें दोनों दे दे, तो थोड़ा सा धड़फड़ा के नहीं, उसको थोड़ा सा देख के रिसर्च करके च्वाइस मारना है, जिसे उसमें था अभी जो एग्जाम्पल तुमको हम बताए थे। समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद।